अस्सलाम वालेकुम। 20 नवंबर यानी आज से फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए कतर को चुना गया है। ये अभी तक का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फीफा वर्ल्ड कप बन चुका है क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री होस्ट कर रहा है और अपने इस्लामिक लॉ के मुताबिक, जैसे कि कतर ने शराब पर बैन लगा दिया है, स्टेडियम, होटल या रोड पर आप शराब नहीं पी सकते हैं क्योंकि वहां के लोकल को उससे परेशानी हो सकती है, और वीमेन शॉर्ट ड्रेस पहन के स्टेडियम में नहीं आ सकते हैं ये, और स्टेडियम में किस विश भी नहीं कर सकते हैं, जो गोरे हैं ये कहीं भी शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कतर ने पहले ही इनको वार्निंग दे दिया है। और सोशल मीडिया सोर्स के मुताबिक हमें मालूम चल रहा है कि डॉक्टर जाकिर नायक को भी कतर ने इनवाइट किया है इस्लामिक लेक्चर देने के लिए वहाँ पे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोटेशन को स्टेडियम के एंट्री गेट पे फीफा वर्ल्ड कप के फैंस के लिए कतर ने डिस्प्ले किया है। यही सारी चीजें हैं जो फीफा 2022 वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना रही है, क्योंकि अमेरिका और बहुत सारे देश इस चीज के खिलाफ जा रहे हैं जो कतर फीफा वर्ल्ड कप को इस्लामिक लॉ के मुताबिक होस्ट कर रहा है। चलिए आज देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोटेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।